नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये जो है, ये है, मतलब आज का जो लेक्चर डिस्कशन है, इसमें बेसिकली ये है प्रीलिम्स फोकस न्यूज डिस्कशन का कंपाइलेशन, और ये कंपाइलेशन है सितंबर के वीक 4 लास्ट वीक का, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों, सितंबर के जितने भी सारे कंपाइलेशन है उसके नीचे में आप जाइए, ठीक है। हर एक कंपाइलेशन के नीचे आपको ये पूरा पीडीएफ फाइल जो है फुल मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सब जितने भी सारे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 के कंपाइलेशन है उसके नीचे अवेलेबल आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं 22 से लास्ट पूरा मतलब टोटली फोर्थ वीक का कंपाइलेशन। पहला दोस्तों न्यूज में था, कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया रिवैम्प्ड खेलो इंडिया प्रोग्राम, जिसके तहत सरकार का मेन एम था दैट स्पोर्ट्स को जो है मेन स्ट्रीम किया जाए। क्योंकि देखिए, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कम ओलंपिक में मेडल्स ले आते थे, ठीक है। तो इसी के तहत मतलब ये सरकार का फोकस था, जिसके तहत सरकार स्कॉलरशिप देना चाहती थी लोगों को, क्योंकि बच्चों को स्कॉलरशिप देने से तभी बच्चे आएंगे, ठीक है। नहीं तो बच्चों के मम्मी पापा भेजते नहीं है, इसलिए क्योंकि उन लोगों का एक थिंकिंग कहीं ना कहीं होता है दैट बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा तो ही बनेगा नवाब। नहीं भैया, अभी का लॉजिक चेंज हो गया, खेलेगा कूदेगा तब भी बनेगा बच्चा नवाब, ठीक है। तो जो भी हो, इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार जो है जो सो ये कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, एक टाइप का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत हर एक साल जो है सरकार 1000 बच्चों को चुन के उनको स्कॉलरशिप देगी, ठीक है। और भी कुछ कुछ बहुत सारे फैक्चुअल थोड़ी थोड़ी बातें, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 50 नेशंस इंक यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर बैन ट्रीटी विच इज बींग अपोज बाय बिगर पावर्स। देखिए, दूसरे मतलब अराउंड 122 नेशन ऑफ 123 नेशंस जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था यूनाइटेड नेशंस के, और उन्होंने बोला था दैट ये न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वो उनका बैन कर देना चाहिए। किस किस सेक्टर में? उनका प्रोडक्शन, ट्रांसफर, एक्वायर्ड, स्टॉक पाइल, कोई भी रख नहीं सकता, ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी दूसरे देशों को धमकी भी नहीं दे सकता। तो ऐसा खैर पास किया गया, और साथ ही साथ में बोला गया था जिसमें अगर मिनिमम 50 कंट्रीज को रेटिफाई कर देती है, ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो इसीलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट, वस्त्र 2017 मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया कॉन्फ्रेंस था, जिसके तहत एम जो था ये बेसिकली वस्त्र जो है ये एक इंटरनेशनल टेक्सटाइल अपैरल फेयर है, ठीक है, एक मेला टाइप का है, ठीक है, जो जयपुर में इनॉग्रेट किया गया था। और इसका मेन एम था दैट जितने भी सारा बिजनेस है हमारे इंडिया में उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाए, ठीक है। तो ये एक बेसिकली प्लेटफॉर्म था जहाँ से दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड जो है पार्टनरशिप क्रिएट किया जा सकता है, साथ ही साथ जॉइंट वेंचर, स्ट्रैटेजिक अलायंस किया जा सकता है, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल दो कोई एक बाहरी देश का यूएस का कंपनी है जो कि इंडिया के एक छोटे कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, ठीक है, तो इसमें किसका फायदा होगा? वो लोग तो अमीर है, हम लोगों को ही ना फायदा होगा। तो इसीलिए एक टाइप से प्लेटफॉर्म ये वस्त्र 27 जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिग बैंग थिएटर्स फाउंडेशन। दोस्तों ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मेन एम था दैट हमारे जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज थे दोस्तों उनको प्रमोट करना। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जैसे छाओ, नागा, बिहू, संथाली, मार्शल आर्ट्स, ठीक है, डांस फॉर्म्स, मार्शल आर्ट फॉर्म्स, ये हुआ, इसको आप छू नहीं सकते हैं बट आप देख के महसूस कर सकते हो, समझ रहे बात। तो उसी के तहत एक ये बिग बैंग जो थिएटर फाउंडेशन है ये एक एनजीओ टाइप का है जो कि जो मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका वीकर है जैसे बच्चे, और वो अगर सीखना चाहते हैं इन सेक्टर में तो उनको फ्री कोचिंग देगी। नेक्स्ट है वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। एक्चुअली सेंटर प्लान कर रही थी दैट इन वुमेन रिजर्वेशन बिल जो सेंटर लेजिस्लेचर में इतने दिनों से अटका पड़ा है उसको फाइनली लाने में, ठीक है। इसके तहत अगर ये अगर इंप्लीमेंट हो गया दोस्तों, देखिए वैसे ये राज्यसभा में पास हो गया बट अभी तक लोकसभा में अटका हुआ है, ठीक है, और कहा जा रहा है अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा किसके सेंटर में? मतलब वुमेन्स के पर्सपेक्टिव में उन्हें एक एम्पावरमेंट मिलेगा क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। वैसे तो 33% रखा गया है अभी, बट देखिए अभी क्या होता है, वो जब पास होगा तभी पता चलेगा, ठीक है, मतलब अभी ये बीच में लटका हुआ है, यही हमें सोचना है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में दोस्तों। ये एक देखिए इंटरनेशनल रोड फेडरेशन जो है जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और नीति आयोग हमारा, उन्होंने दोनों ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है जिसके तहत ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पॉलिसी बनाना है इंडिया में भी, ठीक है। इसके तहत क्या क्या सेक्टर है दोस्तों? ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग मैनेजमेंट, ठीक है, एडुकेशन इन द फील्ड ऑफ ITS, इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ ITS, सो फ्लीट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, तो ये सब सारे सेक्टर्स को मेनली फोकस किया जाएगा, समझ रहे बात। इसके अर्बन ट्रैफिक का कंजेशन जो होते हैं वो सब, जिससे
से रिड्यूस किया जा सके, मतलब ये एक स्टेप है सरकार के द्वारा, सरकार और यूएफओनो इंटरनेशनल फेडरेशन रोड फेडरेशन के द्वारा। और इसके बारे में अगर देखना है दोस्तों, ये एक नॉन फॉर गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या इनकरेज और प्रोमोट करता है जिससे रोड और रोड नेटवर्क जो है वो बेटर सेफर और मोर ट्रांस और मोर सस्टेनेबल हो सके, ठीक है। साथ ही साथ इट प्रोमोट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट फ्लोस फ्रॉम वेल प्लान्ड एंड एनवायरमेंटली साउंड रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है। और इंटरनेशनल रोड फेडरेशंस जो है ये एक बिजनेस नेटवर्क है विच प्रोवाइड्स अ लिंक टू एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज, जिससे क्या यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन नेशंस से भी कंसल्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी कंसल्ट किया जा सकता है, जिससे क्या यू नो वो लोग रोड या फिर रोड नेटवर्क्स के रिलेटेड कोई भी अगर कानून वैसा कुछ हो तो वो लोग स्टैंडर्डाइज तरीके से पारित कर सके वो, ठीक है। तो ये काम है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का। नेक्स्ट है कलवारी हैंडेड ओवर टू नेवी। देखिए दोस्तों, ये एक सिक्स स्कॉर्पियन क्लास, एक एक्चुअली हमारे इंडिया में एक प्रोजेक्ट 75 चल रहा था, ठीक है, टू बी मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो उसके तहत ये पहला एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। उसमें प्रोजेक्ट 75 में बोला गया था 6 स्टेल्थ कैटेगरी का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाया जाएगा, समझ रहे। उसमें ये कलवारी जो है ये पहला ऐसा स्कॉर्पियन है जिसको हैंड ओवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था दोस्तों। नेक्स्ट है 23 सितंबर का 7 के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। आप नाम से ही समझ जाइए थोड़ा लॉजिक लगा के क्या होना चाहिए। तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ आसाम और नीति आयोग का, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि गवर्नमेंट या सब क्वेश्चन आ ही सकता है दैट ये 7 जो है ये किस किस के बीच में है, नीति आयोग और किस गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। और बेसिकली इसका जो एम है दोस्तों, ये आसाम में स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा की हेल्थ प्रायोरिटीज के सेक्टर में, क्योंकि आसाम में भी कोई कोई हेल्थ प्रायोरिटीज उतने अच्छे तरीके से, कहा जाता है ऐसा गवर्नमेंट के खिलाफ एलिगेशन लगता है दैट यू नो पहुंचाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो यू नो दोनों का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव रहेगा जिससे सोल्यूशंस निकाले जाएंगे, मतलब कहाँ कहाँ हेल्थ प्रायोरिटीज़ है, कौन कौन सा हेल्थ प्रायोरिटी सेक्टर है आसाम के रीजन में और उनको निजात पाने के लिए क्या क्या किया जा सके, ठीक है। तो और कहा जा रहा था दैट ये तो अभी तो खैर आसाम और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का 3 इसे स्टेट चुना गया इसको इम्प्लीमेंट करने को, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया इन तीनों स्टेट्स में दोस्तों तो क्या होगा ना, ये एज अ रोल मॉडल स्टेट्स साबित हो जाएंगे, है ना। और दूसरे स्टेट्स जो है वो लोग अपने हेल्थ सिस्टम को अगर सुधारना चाहे ना तो इन स्टेट्स को फोकस कर सकते हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट है दीनदयाल हस्तकला संकुल के बारे में दोस्तों, ये एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए, ठीक है, जो क्या नरेंद्र मोदी जी ने स्मृति ईरानी जी के साथ यू नो इनॉग्रेट किया था। तो एनीवेज उतना तो हमें पॉलिटिकल बातें याद नहीं रखनी है यार, हमें जो याद रखना है दैट ये क्या करता है। तो इट विल बेसिकली फैसिलिटेट वीवर्स आर्टिशियंस या एक्सपोर्टर्स जो क्या अपना एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं किस किस सेक्टर में, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, इन डोमेस्टिक मार्केट में भी और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी, ठीक है। तो इस दीनदयाल हस्तकला संकुल प्रोग्राम के अंडर एक क्राफ्ट म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जो क्या कहा जा रहा है दैट हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर्स जो है दोस्तों हमारे वाराणसी का मेनली, तो उसको संजोग के रखेगा, क्योंकि क्या हो जाता है ना हमारा जो आने वाला नया जनरेशन है दोस्तों, ये लोग जो है ना पावरलूम के सेक्टर्स के काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, सबको यार सबको ही को पेपे जीन्स का जीन्स चाहिए और यू नो मतलब ब्रांडेड सारे सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है, तो किसका काम है, अल्टीमेटली सरकार का ही ना काम है दैट उसको प्रमोट करना। तो ये कैसे करेगी, म्यूजियम मतलब देखिए ऐसे तो डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में जहां तक हो सके प्रमोट करेगी, बस साथ ही साथ एक म्यूजियम भी बना दिया जाएगा ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया दीनदयाल हस्तकला संकुल के अंडर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन कोरियाज प्लस सेल। देखिए दोस्तों, कोरिया प्लस सेल वो होता है जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट और साउथ कोरिया के गवर्नमेंट ने जॉइंट इनिशिएटिव है बेसिकली, जिससे क्या बोला गया है दैट साउथ कोरिया का जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो इंडिया में आएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, इसी मतलब स्ट्रैटेजिक अलायंस को बेसिकली एक टाइप का स्ट्रैटेजिक अलायंस ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यार उनसे अगर कॉपरेट कर रहे तो एक स्ट्रैटेजिकली हमको तो कुछ सोचेंगे ना यार, क्योंकि हमारे पास पैसे आएंगे, ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट आएगा तो पैसे आएंगे, उससे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे बात। तो उसी लिए ये मतलब न्यूज़ में था कोरिया प्लस सेल, ठीक है। तो मैंने मेन जो आपको जिस्ट है वही चीज़ बता दिया मैंने। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना। दोस्तों ये किस लिए देसी है, देखिए कंटेक्स्ट है इसका, फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, जिससे क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्लस्टर अप्रोच हो सके, और ये बेसिकली उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो नया क्लस्टर्स बनाएंगे उत्तराखंड के विलेज
टीचर्स को लेकर, ठीक है, जिससे क्या कहा जा रहा है दैट उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा इट टू बिकम मोर सेल्फ सस्टेनेबल इन टाइम बाउंड मैनर, ठीक है। और इसको अगर सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से डेवलप किया जा सके तो वो भी एक फ्यूचर में के लिए दूसरे जगहों में भी ये चीज़ सेम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने का एक आप क्या बोल सकते हैं प्रेसिडेंट, सही प्रेसिडेंट सेट कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब इस भी आर्टिकल में था दैट लोकल रिसोर्सेज को बेसिकली यूटिलाइज किया जाएगा और देखा जाएगा दैट उत्तराखंड के जो विलेजेस है वहाँ पर क्या क्या स्किल सेट्स है, ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है जिसका उनका वैल्यू एडिशन किया जा सके, जिससे उनको जिससे वो लोग को ज़्यादा उसको चीज़ को बेचकर ज़्यादा पैसा मिल सके। ऑफ कोर्स यह लाइवलीहुड बनाना ही मेन एम है सरकार का भी, तो यही है एम सरकार का। नेक्स्ट 5 पॉइंट पीस प्लान, देखिए बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा ये 5 पॉइंट पीस प्लान दिया गया था और ये रोहिंग्या क्राइसिस जो आपको पता है जहाँ से रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार के रखाइन स्टेट से उठकर सब कोई बांग्लादेश में रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर भी, तो अब देखिए कोई भी देश है यार, अब बांग्लादेश ज़्यादा गरीब कंट्री है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यार रिसोर्स क्रंच तो आएगा ही, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने एक 5 पॉइंट प्रपोजल दिया यूनाइटेड नेशंस में और उसमें बोला गया दैट म्यांमार का जो है ये जो एथनिक क्लींजिंग कर रही है म्यांमार, इसको स्टॉप करना चाहिए और साथ ही साथ जितने सारे म्यांमार जितने सारे मुस्लिम्स हैं उनको मैंने बेगुनाह मुस्लिम्स को सबको ले लेना चाहिए अपने स्टेट में, ठीक है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल से एक रिक्वेस्ट की दरख्वास्त किया गया दैट एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन इंप्लीमेंट कीजिए म्यांमार में, जो क्या और उन फैक्ट फाइंडिंग मिशन से वो लोग सर्वे करेंगी दैट एक्चुअली में उनके वहाँ के मुस्लिम्स के ऊपर क्या क्या प्रताड़ना किया जा रहा था म्यांमार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ ऑल सिविलियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड एथनिसिटी को एक सेफ जोन में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए और वो सेफ जोन बांग्लादेश में नहीं होगा भैया, वो म्यांमार में ही रखो, है ना। और वो सेफ जोन का जो आपको सिक्योरिटी है वो आपको यूनाइटेड नेशंस को सुपरवाइज करना पड़ेगा उसका सिक्योरिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल रिटर्न ऑफ ऑल फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड रोहिंग्यास इन बांग्लादेश टू देयर होम्स इन म्यांमार मस्ट बी इंश्योर्ड। और साथ ही साथ उन्होंने बोला था दैट कोफी अनान कमीशन जो रिपोर्ट जो निकाला गया था जो कि अब बहुत सालों से पेंडिंग पर है उनके रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट करो। अच्छा उनके रिपोर्ट्स किस सेक्टर में थे दोस्तों, ये जो बांग्लादेश के रोहिंग्या क्राइसिस थे ना उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने काफ़ी अच्छा अच्छा कुछ अपने रिपोर्ट में बोला था। अब उतना रिपोर्ट को अगर आप देखना है तो देख लो यार, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट है 25 सितंबर का न्यूज़ दोस्तों, भारत के कौशल ज़्यादा प्रोग्राम, ठीक है। ये देखिए रूरल स्किल डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया भारत के कौशल ज्यादा प्रोग्राम, ये इसके तहत एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जाएगा जो क्या ऑनर करेगा बेनिफिशियरीज ऑफ इट्स स्किल स्किलिंग प्रोग्राम ऑन द ईव ऑफ अंत्योदय दिवस 2017, ठीक है। तो इसके तहत बेसिकली ऑनर किया जाएगा उन बेनिफिशियरीज को जिन्होंने फायदा उठाया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का और साथ ही साथ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो कौशल का कुछ कुछ स्किल सेट सीखे हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। तो कौशल पंजी इसके अंडर दोस्तों था दैट ये भी न्यूज़ में था दोस्तों, तो ये बेसिकली एक स्किल रजिस्टर है जो कि सिटीजन सेंट्रिक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा टू एड मोबिलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर RSEITIs, मतलब यही जो मैंने बोला पिछला में दो चीज़ था ना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और भी एक इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है, तो उसी के बारे में देख लीजिए। मतलब ये एक स्किल रजिस्टर रहेगा जो क्या मेंटेन करेगा दैट किन किन लोगों ने कौशल इन प्रोग्राम के तहत फायदा ग्रसित किया, ठीक है। और फ्यूचर में अगर सरकार को कभी इन लोगों को डिप्लॉय करना पड़े कोई जगह में तो उन लोगों को डिप्लॉय किया जा सकता है, ठीक है। और ज़्यादा फोकस के लिए दैट एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाए तो उसके लिए सरकार SECC दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का सहारा लेगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री LPG पंचायत के बारे में न्यूज़ में था दोस्तों, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉन्च किया हुआ एक कंट्री वाइड LPG पंचायत है, मतलब प्रोग्राम है। देखिए पंचायत मतलब तो पहले समझ जाइए क्या होता है, पंचायत मतलब जहाँ पे लोग बैठ के कंसल्ट आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो LPG पंचायत मतलब क्या होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, है ना। वैसे अभी भी लोग हैं जो क्या जिनको LPG यूजेज के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो उन लोग को एक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा जिसका नाम है LPG पंचायत, ठीक है। इसके तहत रूरल LPG यूजर्स को एडुकेट किया जाएगा क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है गैस मुहैया करवाने के बाद भी वो लोग कोयला या फिर लकड़ी जला के आपका जाके गैस मतलब चूल्हा पका रहे हैं, ठीक है। तो जिससे उन लोगों को बताया जाएगा भैया दैट एक्चुअली में इंपैक्ट क्या होता है, इन्वायरमेंट में इंपैक्ट क्या होता है, हेल्थ में क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ठीक है, एफिशिएंसी उसका कैसा रहता है, तो सब कुछ बताया जाएगा इसके तहत प्रधानमंत्री LPG पंचायत योजना के तहत, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट है, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज इन्फोक्ड ईएसएमए अगेंस्ट गार्बेज कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए ईएसएमए का मतलब होता है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। कुछ दिन अगर पहले आपको न्यूज में अगर आप अगर एक्टिव हो तो आपको पता रहेगा दैट दिल्ली गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था दैट हेल्थ एम्प्लॉयज जो है वो लोगों ने धरना दे दिया था, बोल रहा था नहीं हम हेल्थ का काम नहीं करेंगे, हमारा सैलरी बढ़ाइए, ठीक है। तो उसके तहत केजरीवाल ने ईएसएमए एक्ट यू नो इंप्लीमेंट कर दिया था, जिससे आप ये सब एसेंशियल सर्विस है इसको आप रोक नहीं सकते हो, इसको अगर रोकोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो वही चीज सेम चीज किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने और बोला है दैट आप गार्बेज कॉन्ट्रैक्टर्स जो है और सैनिटेशन वर्कर्स वो आप अपना काम बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप बंद करने से हमारा कर्नाटका जो है जो प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत कर्नाटक भी तो साफ होना चाहिए ना यार, तो कर्नाटक हमारा साफ सुथरा नहीं रहेगा। और साफ सुथरा एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर ना दोस्तों, अगर साफ सुथरा आप कुछ चीज नहीं रख रहे हो तो यू नो यार साफ सुथरा रहने से मतलब सब कुछ खुशहाली सब कुछ आती है यार, वो तो आपको खुद पता ही होगा, मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा। तो एनीवेज यही है, ठीक है। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है बेसिकली जो क्या जिसको इन्फोर्स कर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यही मैं बताना चाहूँगा कुछ जो को इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लो डाउन ऑन पेट्रोल प्राइसिंग पॉलिसी। देखिए बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे दैट पेट्रोल के प्राइस घटाइए घटाइए, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया दैट नहीं भैया हम लोगों ने जो फ्यूल पॉलिसी रिवाइजिंग रूल जो है जो क्या जिसके तहत हर रोज यू नो पेट्रोल का दाम चेंज होता रहता है वो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। देखिए पहले क्या हुआ था ना, मतलब इस साल के जून 16 से सरकार ने एक इस साल के जून 16 के पहले का बात बताता हूँ, ठीक है। उसमें ना पहले जो मतलब आप पेट्रोल का प्राइस जो सेट किया जाता था वो हर 14 दिन में, हर एक फोर्टनाइट में किया जाता था, ठीक है। इसके तहत क्या होता था दैट हर 14 दिन के बाद बोला जाता सरकार दैट अगले दिन पेट्रोल का दाम घटेगा या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उससे मतलब ऑयल कंपनीज बोलती थी दैट हम लोग को फायदा नहीं मिल पाता एग्जैक्टली। तो फिर सरकार ने बोला चलो भैया ऑयल कंपनीज का भी देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो आपके लिए फिर हम छोड़ देते हैं ये मतलब रिबेट कर देते हैं और अब से हर रोज पेट्रोल प्राइसिंग रखा जाएगा, ठीक है। तो अब हर रोज जो पेट्रोल प्राइसिंग रखा जाता है ना इससे हम लोग नॉर्मल जनता मार खा जाती है, क्योंकि अब देखिए आप सोचिए अगर दो हफ्ते बाद वाला पेट्रोल प्राइसिंग जो होता था उसको अगर आपको पता चल रहा है दैट नहीं कल 5 रुपया बढ़ने वाला है तो हम लोग जल्दी जाके एटलीस्ट 4-5 लीटर पेट्रोल तो भरवा लेंगे ना यार, कुछ पेट्रोल स्टॉक कर लेंगे, हमारा फायदा होता था। अभी क्या हो रहा है ना हर रोज 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा करके बढ़ रहा है, अब 30 पैसे के लिए कौन जाएगा यार भरवाने, समझ रहे बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इससे पेट्रोल वालों को फायदा हो गया, हम लोग को नुकसान हो गया। तो इसीलिए यू नो दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो प्रोटेस्ट कर रही थी तो सरकार बोल रही थी नहीं हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ग्रेडेड सर्विलियंस मेजर। दोस्तों ये एक सेबी के द्वारा डिजाइन किया गया एक मेजर है जिसके तहत टैब मतलब आई रख मतलब एक सर्विलियंस रखा जाएगा ऑन सिक्योरिटीज दैट विटनेस एन एबनॉर्मल प्राइस राइज, क्योंकि उसके कारण नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स होता है उनका इंटरेस्ट हर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होता है ना दैट कोई भी मतलब कोई भी शेयर मार्केट में कैसे भी लगा देता है पैसा है ना, और बहुत लोग तो लूपहोल्स का यूज करके लगाते हैं पैसा, ठीक है। इससे क्या होता था ना दैट खुद तो लोग फायदा कमा लेते हैं बट नॉर्मल हम जैसे और आप जैसे जो मतलब जिनका ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है वो लोग मार खा जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्रेडेड सर्विलियंस मेजर सेबी के द्वारा एम्प्लाई किया गया और सेबी बोली है दैट अब से हम लोग देखेंगे दैट कोई मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा है ना, अगर कोई फ्लक्चुएशन आएगा तो सेबी उसके ऊपर मेजर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रलय शहम। दोस्तों ये एक मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है जो कि रिसेंटली कंडक्ट किया गया था आपके हैदराबाद के हुसैन सागर लेक के रीजन में, ठीक है। और ये जो कंडक्ट किया गया था ना दोस्तों ये आपका एफर्ट्स फ्रॉम ऑल द सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एंड आर्म फोर्सेज टुवर्ड्स जॉइंटली टैकलिंग अर्बन फ्लडिंग सिनारियो इन हैदराबाद। वैसे तो हैदराबाद के अर्बन फ्लडिंग सिनारियो को कैसे मैनूवर किया जाए उसके लिए एक ट्रेनिंग था बट यू नो इस ट्रेनिंग से बोला जा रहा है दैट यू नो एक जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट किया गया जिससे क्या फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी ऑपरेशंस आ जाता है तो वहां पे कैसे ये सारे फोर्सेस या फिर सेंट्रल या स्टेट एजेंसीज टुगेदर काम करें जिससे यू नो इन डिजास्टर टाइप के सिचुएशंस से निजात पाया जा सके। नेक्स्ट इज नेशनल इसी में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी न्यूज़ में था तो वो दोस्तों 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसको मैंडेट मिला था और इसका रोल और मैंडेट अगर स्पेसिफिकली देख लीजिएगा दोस्तों तो ये रिस्पॉन्स करती है बेसिकली डिजास्टर सिचुएशन को और मॉक ड्रिल्स भी काफ़ी ज़्यादा कंडक्ट करती है, साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाती है और कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा अवगत है।
नेक्स्ट है 27th और 28th का एक साथ न्यूज़ दोस्तों, वो देख लेते हैं। ट्राइब्स इन इंडिया प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड एंड अमेजोन। देखिए ट्राइब्स इन एक्चुअली ट्राइफेड जो है ना, जिसका फुल फॉर्म आपका जाके है क्या है फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म मुझे भी नहीं आ रहा है अभी, ट्राइबल सॉरी यहाँ पे तो लिखा नहीं हुआ यार एग्जैक्टली, मतलब फुल फॉर्म ट्राइबल रिलेटेड ही कुछ है लेकिन, ठीक है ट्राइबल फेडरेशन समथिंग है कुछ, है ना आप देख लीजिएगा प्लीज, है ना माफ़ कीजिएगा। तो एनीवेज उन्होंने और अमेजोन ने साइन किया है पैक्ट, जिसके तहत बोला गया है दैट जो भी ट्राइबल पीपल जो अपना हैंडीक्राफ्ट या फिर अपना स्किल्स जो उनका है ना, और वो अपने से यू नो उस स्किल्स के प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाती है, तो मतलब अमेजोन सेलर सर्विस ने बोला ठीक है भैया हम उनकी मदद करेंगे, हम उनके प्रोडक्ट को डायरेक्ट अपने वेबसाइट में रखेंगे और उनसे अगर जितना उनको मदद अगर हो सके तो हम उनको करेंगे। मतलब ये जस्ट एक पैक्ट है और कुछ नहीं है ना, जो कि आप मतलब आप लिख सकते हो दैट यू नो मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में भी आ रही है तो वो लोग भी कुछ अच्छी अच्छी काम करती है, जैसे ये एग्जांपल आप दे सकते हो पिछला वाला न्यूज़ जो कि मैंने बोला। नेक्स्ट है पेंसिल पोर्टल ऑन चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन। देखिए दोस्तों एक पेंसिल पोर्टल लाया गया है जो जिसके तहत बोला जा रहा है दैट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी इंश्योर किया जा सकता है इस पेंसिल पोर्टल के द्वारा, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फॉर नो चाइल्ड लेबर इन द कंट्री एज बिंग विच इज बिंग डेवलप्ड बाई लेबर मिनिस्ट्री, और पांच कंपोनेंट बेसिकली देखता है जैसे कि चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, कंप्लेंट कॉर्नर, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एंड कन्वर्जेंस, ठीक है। और इस स्कीम के बारे में अगर थोड़ा दोस्तों एनसीएलपी दैट इज नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के बारे में अगर थोड़ा देख लीजिएगा तो वो 1988 में आया गया एक प्रोजेक्ट स्कीम था जिसके तहत बोला गया था दैट जो भी वर्किंग चिल्ड्रंस होंगे है ना, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर में संदिग्ध है, तो उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा और साथ ही साथ आइडेंटिफाई और विड्रॉल किया जाएगा वैसे चिल्ड्रन जो क्या यू नो चाइल्ड लेबर में, जो क्या हार्श सिचुएशन ऑफ चाइल्ड लेबर में डायरेक्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। और एडिशनल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड नेशनल लेवल भी इंप्लीमेंट किया जाएगा इस एनसीएलपी दैट इज नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है लेकिन पेंसिल पोर्टल, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है क्योंकि मतलब ऐसा क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली, मतलब ऐसा तो ऐसा ये वाला क्वेश्चन तो नहीं है बट ऐसा रिस्पेक्टिवली बहुत आ चुका है, जैसा स्वयं पोर्टल के बारे में न्यूज़ में मतलब 2016 का ये मतलब प्रीलिम्स के न्यूज़ में था, ठीक है। तो दैट इज दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट इज सौभाग्य स्कीम, जिस मतलब प्रधानमंत्री ने एक मतलब स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, है ना, इसको सौभाग्य स्कीम भी कहते हैं। और इसका जो एम है मेनली टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल द विलिंग हाउसहोल्ड इन द कंट्री इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। देखिए वैसे सरकार बहुत सारा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया हुआ यार, ये और कुछ नहीं, ये इसको बोल सकते हैं आप मतलब डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स टाइप, ठीक है। तो जो भी हो सरकार के द्वारा बेसिकली एक एम है जिससे हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को जो है उनको 2018 के 31 दिसंबर तक इंश्योर किया जा सके दैट उनके घर में भी बिजली आ सके, ठीक है। और इसी के साथ सरकार ने बोला है दैट हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों वो जो है SECC डेटा, ठीक है, जो क्या कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा द्वारा दिया जाएगा। और वैसे भी हाउस होल्ड जिसको जो क्या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंडर नहीं आती है बट स्टिल दे नीड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा तो नहीं है ना दैट उनको नहीं देंगे, उनको भी दिया जाएगा, ठीक है। बट वही लिखा हुआ दैट अनइलेक्ट्रिफाइड हाउसहोल्ड नॉट कवर्ड अंडर SECC डेटा वुड बी प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अंडर द स्कीम ऑन द पेमेंट ऑफ 500 रुपया, उनको 500 रुपया देना पड़ेगा विच शैल बी रिकवर्ड बाई डिस्कॉम, ठीक है, इन 10 इंस्टॉलमेंट्स, जो क्या 10 इंस्टॉलमेंट में डिस्कॉम रिकवर कर सकती है। तो ये खैर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यू नो प्रोबेबल क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट फ्रेम हो सकता है आपका UPSC में, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा सौभाग्य योजना। नेक्स्ट इज स्टेट विल हैव टू कंपनसेट फॉर सेंट्रल प्रोजेक्ट्स, है ना। तो सेंटर हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ सो कॉल्ड चैलेंज मेथड, एक चैलेंज मेथड सेंटर यू नो इंप्लीमेंट करना चाहती है जिसके तहत जो सेंटर का जो प्रोजेक्ट होता है ना बहुत मतलब देखा गया है दैट या तो स्टेट इंप्लीमेंट नहीं करती है या फिर लेथार्जिक कंडीशन से इंप्लीमेंट करती है या फिर जो स्टेट को इंप्लीमेंट करना चाहिए वो कर नहीं पाती है, ठीक है। तो इसी के सेक्टर में देखकर सरकार ने बोला है दैट स्टेट विल हैव टू कम्पीट फॉर सेंट्रल प्रोजेक्ट्स, है ना, बाई किस मेथड, सो कॉल्ड चैलेंज मेथड। अच्छा ये चैलेंज मेथड क्या होता है वो तो देख लेते हैं दोस्तों। इसके तहत जो प्रोस्पेक्टिव स्टेट्स है जो कि सरकार के द्वारा चुना जाएगा दे विल बी रेटेड ऑन मोर देन हाफ डजन पैरामीटर्स,
ठीक है, कुछ कुछ पैरामीटर्स है उनके बेसिस में उनको रेट किया जाएगा, और वो जो स्कोर दिया जाएगा ना 0 से 100 तक दिया जाएगा, जिनका ज़्यादा स्कोर है उनको केंद्र सरकार बोलेगी ठीक है आपको ये प्रोजेक्ट आप अपने स्टेट में चालू कर दीजिए, ठीक है। तो और ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना दोस्तों, सब टाइप के, ऐसा नहीं दैट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ही होगा, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी होंगे और साथ ही साथ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट भी होंगे। एंड ये कहा जा रहा है दैट विल नाउ बी एप्लीकेबल अक्रॉस सेक्टर्स सच एज एविएशन, रोड्स, रेलवेज, हेल्थ, एजुकेशन, आईटी, पावर एंड टेक्सटाइल। तो ये सब बहुत सारे रीजन्स है जहां पर ये इंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट है लिखा हुआ, इंडिया इज रैंक्ड 40th ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स। अच्छा, इससे मेन इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, एक ही सिर्फ क्वेश्चन बनता है दैट ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स जो है ये कौन सा किसके द्वारा निकाला जाता है, तो दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और पिछले बार के तहत इंडिया का एक रैंक फिसल गया है, ठीक है, तो ये मतलब एक कंसर्न है, बट एनीवेज हम लोग रिस्पेक्टिवली बहुत अच्छा पोजीशन में है, यही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए 137 नेशन में हमारा कोई भी रैंकिंग ले लीजिए 100 के ऊपर ही रहता है, बट इसमें 40 है, ठीक है। ऊपर से जो भी हो, साउथ एशियन कंट्रीज में जो है ना वो हमारा रैंक पहला है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और कुछ कुछ और भी फैक्चुअल बातें कुछ कुछ दिए हुए दोस्तों, ये सब मतलब आपका क्या बोला जा सकता है, अगर यू नो कोई डेटा अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो लिख सकते हैं, है ना। और एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिग ब्रिक्स कंट्रीज में जो है उसमें सिर्फ चाइना और रशिया ही हमसे अभी आगे है, ठीक है, और साउथ अफ्रीका और ब्राजील हमसे पीछे है, मतलब हम लोग बीच में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, ऐसा सिंपली पूछ लेगा दैट यू नो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में हमारा रैंक ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे पीछे है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, हम लोग बीच में लाई करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया रैंक्ड 40th ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स। अच्छा, सेम ही तो है यार, चलिए एक्चुअली इसको फ्रेम आउट करना मैं गलती कर दिया, मैंने इसका ऊपर वाला हेडिंग मैंने गलती लिख लिया, ठीक है। तो बेसिकली दूसरा ये न्यूज़ था, तो मैं उसको अलग कोई इसमें ले लूँगा यार, है ना, सॉरी। नेक्स्ट इज इंडिया INS तराशा। देखिए एक वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है जिसको रिसेंटली कमीशन किया गया इंडियन नेवी में, और अगर आपको न्यूज़ में अवगत होंगे तो पिछले सालों हम लोगों ने बहुत न्यूज़ पढ़ा था INS तरमुगली, INS तिहायू के बारे में, और रिसेंटली इस साल तो INS तिलांगशान भी न्यूज़ में था। तो ये सब देखिए, ये बेसिकली पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ, ये फोर्थ एंड लास्ट फॉलो ऑन वाटर जेट मतलब FAC है, ठीक है, दैट इज फास्ट अटैक क्राफ्ट है, ठीक है। मतलब फास्ट अटैक क्राफ्ट में हम लोग मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बना रही थी 4 बेसिकली ऐसे क्राफ्ट, ठीक है, उसमें ये चौथा नंबर का है। पहला है तरमुगली, दूसरा है तिहायू, तीसरा है तिलांगशान, ठीक है, और इसको INS तराशा जो है ये चौथा है, ठीक है। और ये किस किस टाइप के मिशंस कंडक्ट कर सकती है दोस्तों, जैसे जैसे कोस्टल ऑफशोर सर्विलियंस, है ना, उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट या फिर नॉन मिलिट्री मिशंस जैसे सर्च एंड रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, तो उस सारे टाइप के यू नो मिशंस इसके INS तराशा के द्वारा कैरी आउट किया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा ये क्या है, वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, ऐसे भी बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे लेकिन, ठीक है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इस टाइप के मतलब कोई एक यू नो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यार, मतलब मैं बता दूंगा यार, कभी अगर MCQ सीरीज फिर से स्टार्ट करूंगा ना उसमें मैं जरूर बताऊंगा भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कर्नाटकाज एंटी सुपरस्टिशियस बिल। कर्नाटका कैबिनेट ने क्लियर कर दिया जो कि अभी तक कर्नाटका कैबिनेट में पेंडिंग था, ठीक है। कौन सा बिल दोस्तों, इसका बिल का नाम है या इरेडिकेट किया क्या है? पहले तो ये देखते हैं। देखिए ह्यूमन एविल प्रैक्टिसेस और ब्लैक मैजिक रहता था ना उस टाइप को, उन चीज को इरेडिकेट कर दिया। और कौन सा बिल ला के, कर्नाटक प्रिवेंशन एंड इरेडिक्शन ऑफ इनह्यूमन एविल प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक बिल 2017। इसके तहत ये मतलब पॉपुलरली वहां पर बोला जाता है इसको एंटी सुपरस्टिशियस बिल, ठीक है। अब एंटी सुपरस्टिशियस बिल मतलब तो आप समझ ही जाइए, मतलब क्या बोला मैंने, अंधविश्वासी जो होते थे, और इसके तहत मैं कुछ कुछ प्रोविजंस भी आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता, मतलब लोग साधु बोलते थे यार हम तुम्हारे भीतर से भूत भगा देंगे, है ना, तुमको अपना सिर फोड़ना पड़ेगा यहाँ पर वहाँ पर, इतना पैसा देना पड़ेगा तुमको, तुमको फायर में मतलब आग लगा देते थे उसके ऊपर तुमको चलना पड़ेगा, है ना, मतलब ऐसे वो लोग साधु संत के द्वारा बोला, साधु संत क्या मतलब ब्लैक मैजिशियंस के द्वारा बोला जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब बोला गया दैट काफ़ी ज़्यादा कभी कभी पैनिक भी फैलाया जाता था दैट यार यहाँ पर, जैसे रिसेंटली आपको पता है चोटी काटना वाला
हिस्सा जो दिल्ली में हो रहा था, ठीक है, तो उस टाइप के पैनिक्स बहुत ज्यादा फैलाए जा रहे थे, है ना। और कभी कभी तो ऐसे भी इतना गंदा असॉल्ट किया जाता था दैट कभी कभी महिलाओं और यू नो लोगों को नेकेड यू नो घुमाया जाता था, मतलब उनके प्रांगण में, मतलब वो लोग जो ब्लैक मैजिक जो करते थे। तो ये एक टाइप से तो गलत बात हुआ ना यार। देखिए अच्छा, आप एक खुद ही बात सोचिए ना आप, दैट ये सब गांव टाइप के इलाका में क्यों होता है, शहर में क्यों नहीं होता है? क्योंकि शहर के लोग पढ़े लिखे हैं भाई, सिंपल सा बात है। गांव के लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते, इसलिए वो लोग ज्यादा जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। ऐसा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द गांव वाला, इट्स नॉट दैट यू नो गांव वाला सारे अनपढ़ गंवार होते हैं, बट स्टिल यू नो हम लोग जब पढ़े लिखे तो हमें पता होना चाहिए दैट ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है भाई, दिस आर जस्ट सुपरस्टिशियस, ठीक है। बट कर्नाटका में ये सब एग्जिस्ट करता है अभी भी, ठीक है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट बोली चल भाई अब कानूनी ले आता हूँ, अब करके देखो कोई, है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए दूसरा स्टेट्स में भी। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स थ्रो अप ए न्यू स्नेक। देखिए वेस्टर्न घाट्स में एक नया स्पीशीज ऑफ स्नेक फाउंड किया गया है दोस्तों, ठीक है। उसका नाम है एक्वाटिका रहाब डोप्स, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट में पाया गया है। और दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट बात है ना जिसके लिए मैं ये न्यूज डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, दैट ये दिस इज फाउंड ओनली इन लैटराइट प्लेट्यूज इन द नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स ऑफ गोवा, साउथ महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न कर्नाटका। ये ध्यान रखिए ओनली उस रीजन में, ठीक है, इंडिया के दूसरे रीजन में नहीं पाया जाता है, आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट है 29 सितंबर का न्यूज देख लेते दोस्तों। साइंस फॉर न्यू इंडिया, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड अर्थ साइंस के अंडर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था इस बार, जिसका नाम है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2017, जिसके तहत जिसका यू नो थीम था साइंस फॉर न्यू इंडिया, जिसके तहत साइंटिफिक टेम्पल मासेस के ऊपर में यू नो थोपना इन द सेंस क्या, मतलब उनके देखा जा रहा है दैट मॉडर्न जनरेशन जो हमारी है कहीं ना कहीं साइंस से दूर भाग रही है, ठीक है। वो लोग तो कैसे साइंस के मतलब देखिए किसी चीज को मैं आपको इनकरेज कैसे कर सकता हूँ, या तो उसका डेमो दूंगा तभी ना आप इनकरेज होंगे दैट हाँ यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा एक बहुत यू नो मतलब साइंटिस्ट लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले से ही अगर दे दिया जाए, है ना, तभी ना आप लोग सीखिएगा। तो उसी के संदर्भ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो ये कंडक्ट किया था, और इसके तहत कुछ एक्टिविटीज यू नो इस फेस्टिवल में यू नो ऑर्गेनाइज किए गए थे, वो क्या क्या था दोस्तों, स्पेशल थीमेटिक सेशंस ऑन डीप ओशन रिसर्च, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कॉन्क्लेव एंड सेंसिटाइजिंग यूथ टू फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन साइंस विलेज पार्लियामेंट टू पंचायत। मतलब ये सब कुछ फैक्चुअल बातें थे, बट हमें सिर्फ यही याद रखना है दैट रिसेंटली जो है साइंस के जगत में भी बहुत ज्यादा सरकार मदद कर रही है दैट साइंस के नॉलेज को कैसे प्रोपेगेट किया जा सके स्टूडेंट्स तक, मास तक, ठीक है। तो उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो ये आप बता सकते हो दैट साइंस फॉर न्यू इंडिया नाम का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अच्छा और भी कुछ बहुत सारे किए गए थे इसमें, तो वो सब आप देख सकते हो दैट सैटेलाइट सेमिनार्स रखे गए थे, उसके बाद नेशनल स्टार्टअप समिट रखा गया था, ठीक है, मेगा साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल एक्सपो, तो ये सब आप अगर चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट है NMCG टू यूज लेटेस्ट जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज फॉर नमामि गंगे प्रोग्राम। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने बोला है दैट जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको अगर यूज किया जाए टाइम बाउंड माइनर में तो हम लोग जो रिवर गंगा जो है उसका एक्चुअली फिर से रिजुविनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी देखें तो मतलब हम लोग सैटेलाइट से सीधा देखेंगे, ठीक है, सैटेलाइट से सीधा किसको देखा जाएगा, वैसे लोगों को या फिर वैसे इंडस्ट्री को जो क्या गंगा में पॉल्यूशन फैला रहा है, ठीक है, इससे हम लोग डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो उस टाइप के एक्शंस हम लोग नहीं हमारी सरकार लेने में असक्षम रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है दैट यू नो मतलब हेल्प लिया जाएगा आपका जाके नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा का, ठीक है, साथ ही साथ नेशनल रिमोट सेस्टिंग सेंटर और सर्वे ऑफ इंडिया, यू नो तीनों जो है इस संदर्भ में काम करेंगे मिलके, जिससे क्या यू नो हमारे गंगा रिवर जो क्या जिसको हम लोग होली रिवर कहते हैं उसको फिर से रिज्यूविनेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया साइंस एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट टू ट्रेन अफगानिस्तान पुलिस, ठीक है, इंडिया ने कमिटमेंट दिया है जिससे इंडिया ने बोला है दैट ठीक है भैया अफगानिस्तान के में तो हम अपना पुलिस फोर्स तो नहीं भेजेंगे बट अफगानिस्तान के पुलिस फोर्सेस को हम लोग ट्रेनिंग जरूर दे सकते हैं, जिससे क्या वहां पर जो इतना एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज होती है आपके जाके तालिबान के द्वारा जो किया जाता है उससे अफगानिस्तान गवर्नमेंट लड़ सके, समझ रहे बात। तो इसीलिए हम लोगों ने मतलब इनको सहयोग किया है, और साथ ही साथ आर्टिकल में लिखा हुआ था दैट 116 न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी कैरी आउट किए जा रहे हैं अफगानिस्तान में इंडिया के द्वारा, ठीक है, और साथ ही साथ बोला गया है दैट सिक्योरिटी कॉपरेशन भी दोनों देशों के दरमियान इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फेसबुक वॉन्ट्स टू हेल्प पीपल ऑफ इंडिया टू फाइंड ब्लड, ठीक है, फेसबुक एक देखिए एक नया टूल अपने में लाया है और जो कि मैंने भी
देखा है फेसबुक में, ठीक है, बट आई हैवंट रजिस्टर्ड अनफॉर्चुनेटली, बट आई विल ट्राई टू रजिस्टर माई सेल्फ फॉर श्योर. तो उसमें बोला गया है दैट फेसबुक के तहत ही अगर बाई चांस अगर आपको यू नो ब्लड का जरूरत है तो आप फेसबुक के उस एप्लीकेशन में जाके अपना रिक्वेस्ट कीजिए, आपके एरिया में जितने भी सारे लोग अगर ब्लड देना चाहते हैं तो वो लोग आके डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है. मतलब टेक्नोलॉजी एक ऐसा मोड पे पहुंच गया है जहां पर टेक्नोलॉजी के बदौलत हम लोग हेल्थ सर्विस भी एफिशिएंट तरीके से प्रोवाइड कर सक रहे हैं. समझ रहे बात, वही है जस्ट यहां का, और वही चीज आपको मतलब एक्सट्रैक्ट करना है इस न्यूज आर्टिकल से, ठीक है. नेक्स्ट है फोर्थ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टेड. दोस्तों एक इटली बेस्ड जो एक विर्गो डिटेक्टर है, ठीक है, उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किया है, ठीक है. अब पहले बता दे रहा हूँ ये ग्रेविटेशनल वेव के डिटेक्टर्स इंडिया में कहाँ कहाँ हैं वो देख लीजिए. ये देखिए यूएस में दो जगह है, ठीक है, जर्मनी में जियो 600 है, इटली में विर्गो है, इंडिया में लीगो इंडिया है, ठीक है, और ये जो जापान में है कागड़ा है, ठीक है. तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल आ सकता है. और इस बार को तो इटली वाला, क्योंकि इटली ने चौथा वाला डिटेक्ट किया, तो अगले यू नो उसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है दैट रिसेंटली विर्गो जो डिटेक्टर है वो किस देश में है या फिर किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है. तो ये हमको ध्यान में रखना है. और ग्रेविटेशनल वेव के बारे में तो आपको पता ही है यार, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. नेक्स्ट है 30 सितंबर का न्यूज़ दोस्तों. इंडिया इज होस्टिंग द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम. इंडिया होस्ट करेगा ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम टू एड्रेस द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो क्या अकर कर रहा है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में इन स्पेसिफिक, ठीक है. इसका थीम रहेगा पीपल पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्योंकि सरकार अपने से कुछ नहीं कर सकती है, अल्टीमेट जो मदद है पीपल का चाहिए ही हमें, ठीक है. तो इसीलिए है, और ये जॉइंटली होस्ट किया जाएगा वर्ल्ड बैंक और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा. ये प्लेटफॉर्म रखेगा एक नॉलेज फॉर नॉलेज एक्सचेंज एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द एक्शन टेकन ऑन द ग्राउंड टू कॉम्बैट इलीगल पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इम्प्रूव गवर्नेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है. तो ये सब कुछ कुछ फैक्चुअल एंड फिगर्स थे, मतलब जो फैक्ट्स जो जिस्ट है मेन वो हमने दे दिया यार, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग अभी कंपाइलेशन पर रहे हैं, ठीक है. तो सब कुछ डिस्कस करना सही नहीं है, बट ओवरऑल डिस्कशन किस किस सेक्टर में हुआ है कि दैट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को कैसे मैनेज किया जा सके, सस्टेनेबल कम्युनिटी लाइवलीहुड को कैसे इंश्योर किया जा सके, साथ ही साथ इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग कॉपरेशन और रिड्यूस वाइल्ड लाइफ क्राइम, इस सेक्टर में क्या क्या सरकार के द्वारा कहीं किया जा सके जिससे वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है वो घट सके, ठीक है. और पार्टिसिपेटरी जो नेशंस है दोस्तों ये देख लीजिए, ये वाला बक्सा में लिखा हुआ है, और सबसे नीचे में जो है ये और भी कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था, वो है वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूएनईपी और साथ ही साथ आईयूसीएन. ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था. नेक्स्ट है जॉइंट वॉरियर. देखिए जॉइंट वॉरियर एक बेसिकली नेटो का जो है वो यूरोपियन मिलिट्री एक्सरसाइज है जो स्कॉटलैंड के कोस्ट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, बट साथ ही साथ और एक एक्सरसाइज है जो क्या जिसको कहते हैं फॉर्मिडेबल शील्ड, ठीक है, ये भी नाटो के द्वारा कंडक्ट किया जाता है. तो ये हमारे लिए इसके लिए टेक अवे हमारे लिए है यहाँ से दैट जॉइंट वॉरियर और फॉर्मिडेबल शील्ड जो है दीज आर टू ऑफ द वेरी की वर्ड्स जो क्या अगर पूछ ले दैट दीज मिलिट्री एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो पहले तो बात है नेटो, ठीक है, मतलब यही तो पूछेगा यार और क्या पूछेगा इससे, है ना. और हाँ एक्सरसाइज विल बी मतलब किस किस सेक्टर में किया जा सकता है, बैटल फील्ड में कैसे यू नो लड़ा जा सके, उसके बाद एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ को कैसे अंजाम दिया जा सके, उसके बाद एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस को भी ये लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज के द्वारा, दैट इज जॉइंट वॉरियर एक्सरसाइज के द्वारा, ठीक है. नेक्स्ट है इंडिया प्लेज मेजर रोल इन न्यूक्लियर प्लांट इन बांग्लादेश. देखिए इंडिया बांग्लादेश के साथ बहुत कोऑर्डिनेट कर रही है, बहुत हर एक सेक्टर में चाह रही है इंडिया कोऑर्डिनेट करना, ठीक है. तो इसीलिए यू नो इसी चीज को मद्देनजर देखते हुए इंडिया जो है बांग्लादेश के यू नो रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि बांग्लादेश में सेटअप होने वाला है वो उसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है. और किसके सहारे दोस्तों, ये हम रशिया के असिस्टेंट के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है. और इसके तहत कुछ कुछ बांग्लादेशी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उन लोगों को तमिलनाडु के कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट में भेज दिया गया और बोला गया दैट देखिए हमारा हम अपना जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे आपको जो एक्सट्रैक्ट करना है आप कीजिए और अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए. नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन इंडिया टू वर्सन इंडियाज एएमआर प्रॉब्लम. देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम जो है ना एक स्टडी किया गया था उससे पता चला है दैट ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि एनिमल्स को जो सेक्टर में है एंटीबायोटिक्स का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है. तो इसको अगर रोकना होगा तो बोला गया है दैट सरकार को स्टेप उठाने पड़ेंगे जिससे जितने भी फार्म एनिमल्स को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड किया जा सका है तो इंश्योर करना चाहिए दैट एक एनिमल को जो है 50 मिलीग्राम
पर किलोग्राम ऑफ एनिमल स्लॉटर्ड कुड कट इंडियाज कंजप्शन रेट ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल बाय 15% बाय 2030। और इसको अगर नहीं इंश्योर किया जा सका दोस्तों तो यू नो हमारा जो है बहुत ज्यादा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, मतलब एक्सेस हो सकता है, जो कि अभी लिमिट में है वो बहुत एक्सेस पार कर सकता है। ठीक है, तो एनीवेज यही था। नेक्स्ट, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड 60 इयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इसी को देखकर उन्होंने अपना डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमारे लिए क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए है, दैट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ये है क्या, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या क्वालिटी एश्योरेंस कवर करता है फॉर द इंटायर रेंज ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन इक्विपमेंट्स एंड स्टोर्स व्हिच इज बीइंग सप्लाइड टू द आर्म फोर्स। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एसोसिएट्स विद डीआरडीओ इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। ये कुछ कुछ फैक्चुअल बात है यार। नेक्स्ट, वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया गया था 2017 का, एंड वो सेलिब्रेट किया गया था बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑन 28 सितंबर 2017। और इसीलिए इसको थोड़ा बैकडेटेड हम लोग देखे थे, क्योंकि जो भी पहले इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद ही न्यूज में आता है ऑफकोर्स। ठीक है, तो इट इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस डे एवरी ईयर, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस अटेंशन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ शिपिंग एंड अदर मैरीटाइम एक्टिविटीज। और थीम जो इसका था बेसिकली दोस्तों वो कनेक्टिंग शिप्स पोर्ट्स एंड पीपल था। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक इतना ही रहा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइस, थैंक यू वेरी मच।